दोस्तों, अगर आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटो में कोई भी चेंजेस कराना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटो को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों इस प्रकार का हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। दोस्तों, आधार कार्ड में फोटो अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर UIDAI लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे आप लोग UIDAI लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे पहला इमेज जो आपका वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट में आपको इंटर करना है। तो जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट में आप इंटर कर जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस वेबसाइट का लुक आपको कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले ही आपको गेट आधार का एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में आपको गेट आधार का सेक्शन मिलेगा, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप बुक एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पे आप कुछ इस तरह से आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले में आप देख सकते हैं कि प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप क्लिक करते हैं सिलेक्ट के ऊपर में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे गिने चुने ऐसे शहर हैं जिसका लिस्ट यहाँ पे नाम आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको क्लिक नहीं करना है, आप नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वाला में क्लिक करा। तो जैसे आप प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर में क्लिक करेंगे नीचे वाला में, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कुछ इस तरह से आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ से आप थ्री डॉट में क्लिक करके इसे आप डेस्कटॉप साइट में कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप लोग डेस्कटॉप साइट में करेंगे तो यहाँ पर आपको भरने में आपको सुविधा होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं इसमें सिलेक्ट करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके नीचे में आपको एक सिंपल सा कैप्चा मिलेगा, ये वाला कैप्चा। इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल कर देना। तो जैसे दोस्तों आप इस मोबाइल नंबर और इस कैप्चा को फिल करेंगे तो उसके बाद आप नीचे में देख पाएंगे आपको यहाँ पर सेंड OTP आएगा, इसमें आपको क्लिक करना। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देता हूँ, इसके बाद सेंड OTP में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सारा डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आप जैसे इस सेंड OTP के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके मोबाइल नंबर में, यहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर डाले हैं उसमें आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, जिस OTP को दोस्तों आपको इस OTP के जगह में डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड में आपको इंटर OTP बोल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OTP आ चुका है, तो यहाँ पर आपको इस OTP को डालना है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा OTP है 27 12 01। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा हुआ 02 है, सॉरी 02 है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा OTP। तो इस तरीके से दोस्तों आपको भी डालना है अपना OTP जो भी आपके मोबाइल नंबर में आएगा OTP, और इसके बाद दोस्तों आप सबमिट OTP प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप लोग सबमिट OTP प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट ID यहाँ पर मिल जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर अपडेट आधार। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं कि आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप न्यू आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे, इसके बाद अगर आप आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो आप अपडेट आधार के ऊपर में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट आधार में क्लिक करता हूँ क्योंकि हमें आधार कार्ड में अपडेट करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको यहाँ पर अपना नाम फिल कर लेना है, इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर फिल कर लेना है, और इसके बाद दोस्तों इसमें आपको रेसिडेंस टाइप में आपको इंडियन रेसिडेंट में ही रहने देना है। इसके बाद आप नीचे में देख पाएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप किस में अपडेट कराना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप नाम में अपडेट कराना चाहते हैं तो आप इसमें टिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप फोटो, सिग्नेचर ये सब में अपडेट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बायोमेट्रिक्स में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं फ़ोटो के बात कर रहा हूँ, फ़ोटो में अपडेट कराने के बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक्स में मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों बायोमेट्रिक्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, जैसे कि हम देख पाएंगे माई एज इज़ लेस देन 18 ईयर्स। अगर दोस्तों आपका 18 ईयर्स से कम एज है तो आप इसमें टिक करेंगे, अगर आपका 18 ईयर से ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देता हूँ, इसके बाद प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सारा डिटेल्स फिल कर लेने के बाद जैसे हम प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ से ओके करेंगे, तो यहाँ पर जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से 7 प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करना। तो जैसे आप 7 प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ से डिस्क्लोज अंडर सेक्शन में आपको टिक करना है, इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे।
तो जैसे आप लोग सबमिट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको इधर मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है आपका एनरोलमेंट सेंटर कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको इधर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऑप्शन किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको नाम पता है तो आप नाम से भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको पिन कोड पता है उस जगह का तो आप पिन कोड डाल के भी आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप यहां से सिलेक्ट स्टेट के ऊपर में क्लिक करेंगे और यहां से आप अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहां पे आप डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे। यहां से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, विलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट ऑफिस और विलेज सिलेक्ट नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर गेट डिटेल्स के ऊपर में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड में आपको बहुत सारे यहाँ पर अब मतलब इनरोलमेंट सेंटर आपको फाउंड हो गया इधर आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस जो भी आपके सामने में जिस भी इनरोलमेंट सेंटर को आप जानते हैं आपके आसपास में है तो आपको क्या करना है, इस बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर में क्लिक करना। तो जैसे आप लोग बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोग के सामने एक यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे में आपको अगर स्लॉट अवेलेबल है तो आप इसमें ग्रीन टिक आएगा, अगर आपका अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर रेड टिक आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी लॉकडाउन के कारण यहाँ पर आपका ग्रीन टिक नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि अभी स्लॉट बुक नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने एरिया में चेक करेंगे, अगर आपका ग्रीन टिक रहेगा तो आप यहाँ पे अपना स्लॉट को बुक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से दोस्तों आपका यहाँ से स्लॉट बुक हो जाएगा और कभी भी आप जिस भी डेट को आप सिलेक्ट करेंगे उस डेट को जाके आप कभी भी उसको बोलेंगे कि मैं हमको आधार अपडेट कराना है तो आपका डायरेक्ट वहाँ पर आपका आधार अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में कोई भी फ़ोटो या फिर फिंगरप्रिंट ये सब अपडेट करा सकते हैं।